तो अपन नहीं चाहते किसी तरह का भी अपने क्षेत्र में किसान का मजदूर का नहीं, कोई अगर आदमी हमें साथ नहीं देगा तो अपन क्या शिकायत करें बताओ, हमें एक एक का बताओ, हम तक की नहीं पूछ रहे किसी से 500 रुपए लिए 1000 लिया, हाँ बताओ हम कहते लोग होते हैं, फोन करो सीधा बताओ। चलिए मैं कल चलिए हमें ये बताओ, हम लोगों से लगातार कहते हैं भाई हमें तुम 400 रुपए उसने दे दिए, हमें सीधा वही से फोन लगा दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको लड़ाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपका फोन लगा दो फलाने दे दीजिए, बस खत्म आपका काम। जी विधायक जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर किसी को ना ले, केवल किसान की समस्या सुने आप। तो हम तो कहते थे अपन भैया लगातार कह रहे हैं कि भैया किसान डीजल लेने जा रहे अपने खेत पर जा रहा है मोटरसाइकिल लेके, तो उसके साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आप जो है। वो हेलमेट लेके थोड़ी ना जाएगा वहाँ पे खेत के लिए, नहीं उसके लिए हमने ये कहा किसान को भी दूर जाना है और भाई उस पे जाना है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर यात्रा करना, तो भाई हेलमेट लगा के जाए, लेकिन खेत पे जाना है कहीं जाना तो उस पर नहीं है कोई जरूरी। अगर वो 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा करता है तो नियम है। और आगे कहा भैया खेत में जा रहा है, डीजल लेने जा रहा, सब्जी लेने जा रहा, अपने मेला के साथ किसी के साथ बैठाल के जा रहा, लड़की को या बहू को बैठाल के जा रहा, तो थोड़ी हमने कही है खेत में जाता है आज और होता चल वही मोटरसाइकिल से और फल लौट के लड़े। नहीं, मैं आपको कल की घटना बता रहा हूँ। कल राहुल श्रीवास्तव जी, संतोष श्रीवास्तव जी कोरोना के कल नहीं क्या जब मेरे पास बात आएगी तभी तो मैं बोलूँगा सर। अच्छा, वो कल जो है अपनी न्यू गाड़ी से गए थे, उसका बीमा भी था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था, उसका रजिस्ट्रेशन भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद ही उन्होंने चालान किया गाड़ी का। हाँ, और चालान में 300 रुपए का उन्होंने सीट बेल्ट का चालान बनाया है और 200 रुपए अदर लिए हैं, टोटल 500 रुपए लिए उन्होंने, तो चालान का तो शासन को जाएगा, लेकिन जो 200 रुपए अदर लिए हैं वो किस फंड में जाएंगे वो? नहीं गलत है भाई, ऐसी बिल्कुल नहीं, अपन लोगों से लगातार कह रहे हैं कि भाई कम से कम अगर मान लो जो नियम है ठीक है फॉलो